गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली गाइस, आज आप लोगों के लिए फिर एक नया जगह आया हूँ और आप देख सकते हैं पीछे मेरे जो है एम्पियर बाइक ग्रिप्स का बोर्ड दिख रहा होगा और यहाँ पर गाइस आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल मिलने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल की। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है आपको दिखाते हैं एक एक करके। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या अभी अवेलेबल है। हेलो भैया। हेलो भैया, आपका गुड नेम बताइए। अमित खंडेलवाल। अच्छा भैया, तो गाइस ये शॉप जो है भैया का है और यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो आपको भैया उसका डिटेल आपको देंगे एक एक करके। तो पूरा वीडियो का आप लोग देखिएगा अच्छे से। ये एम्पियर का मैग्नस EX मॉडल है। ये गाड़ी एम्पियर का की मॉडल है जो ऑल ओवर इंडिया में अभी हाई डिमांड की वजह से हम वेटिंग चल रही है। हमारे शोरूम में भी गाड़ी वेटिंग चल रही है। इस गाड़ी का खासियत ये है, आप देख सकते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी, जस्ट एक कोई एंगल से आप इसको इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं बोल सकते। एज आज के दिन में इलेक्ट्रिक स्कूटी देखने से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी कैसा है, वो इलेक्ट्रिक स्कूटी है। इसको कोई देख कर नहीं बोलेगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटी है, जस्ट लाइक आपका जो इंजन गाड़ी एक्टिवा वगैरह जो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है, लेग स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है इसमें। सीट आप देख सकते हैं, सीट इसका एक्टिवा वगैरह से भी बड़ा सीट है, काफ़ी लंबा सीट है जिसमें आराम से दो आदमी प्लस एक बच्चा आराम से बैठ सकता है, इजीली बैठ सकता है। प्लस लेडीज़ के लिए सेफ्टी पर्पस ऑफ व्यू में देखा जाए तो एक साड़ी गार्ड दिया है कि साड़ी वाड़ी नहीं फंसे। लेग गार्ड है, साइड पैर रखने के लिए ये दिया गया है, साइड स्टैंड है, मेन स्टैंड है। और इस गाड़ी में सबसे बढ़िया है इसमें यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिया है जहाँ मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल चार्ज करके आप रखेंगे कहाँ। तो ये काफ़ी बड़ा एक डीप स्पेस दिया है जिसके अंदर आप मोबाइल अच्छा से रख सकते हैं। हेलमेट हैंगिंग के लिए हुक दिया है, आप यहाँ पर अपना हेलमेट वगैरह या कुछ सामान वगैरह आप इसमें हैंग कर सकते हैं। चाबी है जिसमें दो रिमोट है और दो की है। रिमोट आप जैसा फोर व्हीलर में फंक्शन होता है आप गाड़ी को बंद चालू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, सारा फीचर्स इसमें भी है। इसका बूट स्पेस का बात करें तो इससे बढ़िया बूट स्पेस अभी तक मैंने अपने लाइफ में किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में नहीं देखा है, खासकर वो गाड़ी जब लिथियम आयन बैटरीज हो, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी आपका बूट का स्पेस ले लेती है जिस वजह से बूट में स्पेस नहीं मिल पाता। इस ग्रिप्स कंपनी ने जो एम्पियर है ग्रिप्स कंपनी के, उसने इस बैटरी को इस तरह डिज़ाइन किया है, इस वे में डिज़ाइन करके बैटरी लगाया है कि आपको ये बड़ा बूट स्पेस मिलता है जिसमें एक हेलमेट के अलावा भी आप कुछ सामान रख सकते हैं। इसमें लाइट भी है सामान रखने के लिए, जब आप डिक्की को क्लोज करते हैं तो ये बटन प्रेस होता है, लाइट ऑफ हो जाता है और ऑन होते ही ये लाइट जलता है। इसमें डिक्की बूट स्पेस इतना है कि एक फुल हेलमेट, ये एक फुल हेलमेट है जो रॉयल एनफील्ड का है। आप इससे बड़ा मेरे को नहीं लगता कोई हेलमेट होता होगा। ये हेलमेट को भी आप इजीली यहाँ पर इस तरह रख करके आप बूट इजीली आप क्लोज कर सकते हैं। ये बूट इजीली क्लोज हो गया बूट स्पेस। इसका एम्पियर लेग स्पेस है, आपको इसमें बटन्स में अपर डिपर हॉर्न ब्लिंकर लाइट्स वगैरह है, हर तरह के लाइट्स है। और स्टार्ट के लिए गाड़ी को सेफ्टी में ध्यान में रखते हुए अगर आप ऑन करते हैं गाड़ी को तो कोई बच्चे, इसमें साउंड होता नहीं है, कोई बच्चे कोई गलती से या कोई आदमी गलती से हैंडल घुमा देने से गाड़ी भाग सकती है। इसी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये बटन है, ये बटन को अगर आप एक बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये रेडी का लाइट जलता है। जिस लाइट को जलने के बाद ये गाड़ी आपका अब स्टार्ट मोड में है। अब आप देख सकते हैं स्पीड, तो ये 60 तक का 55-60 का स्पीड गाड़ी आराम से इजीली कवर कर लेती है। प्लस इसमें ब्लिंकर्स है, रेडियल लाइट है, ब्लिंकर है विद बजर है, प्लस इसमें लाइट है, ये लाइट हो गया, अपर डिपर है, लाइट को अप डिप कर सकते हैं। इस गाड़ी में यहाँ नंबर प्लेट लगाने का जगह दिया है, पीछे नंबर प्लेट लगाने का है। प्लस इस गाड़ी में TVS का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है 10 इंच का, देख सकते हैं आप, है ना। और इसमें बिल्ड AC मोटर है 1200 वाट की जो ग्रिप्स का अपना है, सारा चीज़ ग्रिप्स का अपना मैन्युफैक्चरिंग है। ग्रिप्स एक बहुत ही रिनॉर्ड कंपनी है जो डीजल इंजन और जितने भी आप थ्री व्हीलर्स वगैरह देखते हैं, जनरेटर वगैरह देखते हैं, वो ग्रिप्स बनाती है। आप इसमें देख सकते हैं दो ब्रेक वायर गया हुआ है, वो CBS सिस्टम है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, यानी अगर कोई ब्रेक मारता है तो दोनों ब्रेक कंबाइंड में लगता है जिससे एक्सीडेंट होने का चांस और स्केट करने का चांस कम होता है।
ये गाड़ी आपका लिथियम आयन बैटरी है जिसको चार्जिंग आपका 3 to 4 hours चार्जिंग टाइम है चार्ज करने में लगते हैं, और चार्ज करने पर इसको 1 to 1.5 units इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है जो कि बहुत नॉमिनल है। यानी आप बोल सकते हैं कि 10 rupees में गाड़ी, इस गाड़ी का माइलेज 120 kilometers, यानी आप बोल सकते हैं 10 rupees में गाड़ी 120 kilometers आराम से चलेगी। और इसमें क्या है कि इस गाड़ी में हाई लोड कैपेसिटी, आप 150 to 200 kilos के अप्रॉक्स वेट रख के आप गाड़ी पर चल सकते हैं। अब बात करते हैं, फीचर्स हो गया, गाड़ी के बारे में मैंने दिखा दिया, बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो ये गाड़ी में, ये गाड़ी का प्राइसिंग 1 lakh समथिंग है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। वो 34,500 rupees आपको गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, जिसको माइनस करने के बाद प्राइस गाड़ी का हो जाता है 71,999। हाँ, एक शोरूम प्राइस है, इसमें इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन जो एक्स्ट्रा लगते हैं वो नॉर्मल, वो एक्स्ट्रा लगेंगे, बाद बाकी ये गाड़ी का प्राइस है। और हमारे पास, हमारे शोरूम में सारे फाइनेंस अवेलेबल है, हमारा टाई अप भी है, बजाज है, IDFC है, बहुत सारे बैंक से टाई अप भी है, प्लस बैंक ऑफ इंडिया भी हमारे साथ टाई अप हो गया है, HDFC से टाई अप हो गया है। मतलब बैंक के मामले में इस गाड़ी को आप कोई भी, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी बैंक से आप फाइनेंस करा सकते हैं इजिली विथ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फाइनेंस भी इजिली अवेलेबल है गाड़ी के साथ में। और इस गाड़ी का सबसे बड़ा चीज़ है क्या कि इस गाड़ी में आपको 5 years एक्सटेंडेड वारंटी लेने का, 5 years की वारंटी मिलती है, मोटर, कंट्रोलर, बैटरी, चार्जर, एडाप्टर, ये सब चीज़ों में 5 years की फुल वारंटी है। तो मुझे नहीं लगता है कि जमशेदपुर या आसपास कोई भी जगह पर इतनी वारंटी वाले 3 साल 2 साल लोग देते हैं। 5 years की वारंटी है, कुछ भी होगा मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, कन्वर्टर में, आप उसको इमीडिएट रिप्लेस करवा सकते हैं। अब हम लोग चलिए, ये एक मॉडल मैग्नस EX आपको दिखा दिया, इसमें 3 colors अवेलेबल है, मेटेलिक रेड, गैलेटिक रेड और ग्रेफाइट ब्लैक जो आपके सामने खड़ा है। अब बात करते हैं हम सेकेंड मॉडल हमारा, जिसका नाम है जील EX। ये मॉडल बहुत ही बेहतरीन मॉडल है, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया में ये मॉडल हम डोमिनोज को भी एम्पियर बना के दे रही है, जितने भी डोमिनोज है सब में यही मॉडल जा रहा है ना। इस मॉडल में भी सब कुछ सेम है, सब चीज़ सेम है मैग्नस EX, बस इसका सीट साइज एज कंपेयर टू मैग्नस EX थोड़ा छोटा है, बूट स्पेस नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल स्कूटी की तरह ही है, वो एक्स्ट्रा लार्ज बनाया गया है ये नॉर्मल स्कूटी। बाकी इसका स्पीड, इसका किलोमीटर, इसका माइलेज, इसका बैटरी चार्जिंग कैपेसिटी, इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी, सारा चीज़ सेम है। इसका प्राइस, एक शोरूम प्राइस जील EX का 65,999। अब आइए, अब आते हैं लो स्पीड मॉडल पर। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा स्कूटी है, ये लो स्पीड मॉडल है जिसका नाम है रियो प्लस एलआई। ये मॉडल आपका लो स्पीड में अवेलेबल है, 25 kilometers पर आर का इसका स्पीड है, लिथियम आयन बैटरी है, 3 to 4 hours चार्जिंग है, इसमें भी बूट स्पेस मिलते हैं। एम्पियर की एक सबसे खास बात यह है ग्रीव्स कंपनी में कि इसमें जितने भी गाड़ी है सब गाड़ी में आपको बूट स्पेस मिलते हैं, सबकी बैटरी इस तरह डिज़ाइन की गई है कि सब में आपको बूट स्पेस मिलते हैं कि आप अपना सामान, क्योंकि स्कूटी में अगर आप सामान ही नहीं रख पाओगे तो फिर आप इससे अच्छा मोटरसाइकिल स्कूटी में फिर कंपैरिजन ही क्या है। लोग स्कूटी रखते हैं ताकि हम डिक्की में कुछ सामान रख सकें, हम जा सकें, या बच्चे रखते हैं हम बैग रख सकें या कुछ रख सकें, बड़े बुजुर्ग रखते हैं कि हम सब्जी लाने जा रहे हैं कुछ लाने, तो हम सामान रख सकें। अब आप सामान ही नहीं रख पाओगे डिक्की में तो फिर मेरे को नहीं लगता कि स्कूटी वो कहलाएगा। चार्जिंग टाइम भी इसका भी वही सेम 3 to 4 hours चार्जिंग है, एक चार्ज में ये गाड़ी 60 to 70 kilometers पर, मतलब 60 to 70 kilometers देती है एवरेज। बूट स्पेस भी है, यहाँ सामने दो बॉक्स देख सकते हैं आप, ये हैंगिंग हुक है, यहाँ भी सामान रख सकते हैं, यहाँ भी आप मोबाइल रख सकते हैं, यहाँ भी USB चार्जिंग दी हुई है। इसमें एक सबसे बेहतरीन चीज़ दिया है, इसमें रिवर्स मोड भी दिया है, सपोज़ कोई लेडीज़ है या कोई बच्चे है या कोई बुजुर्ग आदमी है जो गाड़ी चला रहे हैं और कहीं ऐसे जगह गाड़ी को पार्क किए कि गाड़ी इस वे में, और बैक करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, उनको गाड़ी का पूरा वजन उठाना पड़ता है, इस केस में क्या है कि अगर आप रिवर्स बटन दबा के एक्सेलरेट करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक बैक आएगी, रिवर्स मोटर काम करेगा, गाड़ी बैक आएगी, तो वो इजीली गाड़ी को कहीं से भी कितने भी डाउन में वो गाड़ी को बैक कर सकते हैं। ये एक सबसे बढ़िया इसमें ये दिया गया है। बाकी ब्लिंकर्स है सेम, इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, इसका डिजिटल जो स्पीडोमीटर है बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत बनाया गया है, जिसमें आपको बैटरी का इंडिकेशन के साथ साथ स्पीड और किलोमीटर सारा चीज़ आपको क्लियर दिखाई देगा। प्लस इस गाड़ी में हॉर्न वगैरह और सब जो स्विचेस यूज़ किए गए, जो मटेरियल, जो क्वालिटी यूज़ की गई है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी यूज़ की गई है। मतलब इसमें आप बोल नहीं सकते, कोई बोल नहीं सकता कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में, जैसा कि लोग मार्केट में रिव्यू इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेकर कि बिल्ड क्वालिटी ख़राब है, मटेरियल हल्का है, ऐसा आपके सामने है ऐसा कुछ नहीं है। इस गाड़ी में ये कंपनी जो है वो वर्ल्ड क्लास मटेरियल यूज़ करती है और काफ़ी अच्छा मतलब गाड़ी बनाती है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम बहुत खुश हैं।
है इस कंपनी के साथ काम करके। इसमें भी आपको अलॉय व्हील मिलता है, ट्यूबलेस टायर मिलता है। तो गाइस यहाँ पर जो स्कूटी था आपको दिखा दिया गया है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भैया से अभी जो यहाँ का पूरा डिटेल एड्रेस लेते हैं कि कैसे करके आप लोग यहाँ आ सकते हैं, तभी जाके इस स्कूटी को बाय कर सकते हैं। तो भैया यहाँ का थोड़ा डिटेल में एड्रेस दे दीजिए ताकि व्यूअर्स आ पाए यहाँ पर ही। बाहर आपको पूरा रेड कलर का शोरूम दिखाई देगा, ऊपर में एम्पियर बाय ग्रिप्स लिखा हुआ, मेन रोड है टाटा कांड्रा मेन रोड, पेप्सी कंपनी रोड के उस पार है, उसके ठीक सामने ये शोरूम है। आगे थोड़ा सा आगे, यानी मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे पीछे थोड़ा सा आगे टोल ब्रिज है, जिधर गमरिया टुवर्ड्स गमरिया है, इधर टुवर्ड्स आदित्यपुर है, ये बीच में पड़ता है, जहाँ से कदमा से गमरिया से आदित्यपुर से आसपास जगह से सारे लोग यहाँ ईजिली पहुँच सकते हैं। और सर्विस सेंटर भी हमारा यहाँ से 100 मीटर में सर्विस सेंटर है, जहाँ पर हम हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई भी इशू किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेहिचक आइए और शोरूम का आनंद लीजिए और यहाँ जो मॉडल्स है उसको देखिए, चलाइए, टेस्ट ड्राइव कीजिए, उसके बाद फाइनल कीजिए, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाई रहेंगे तभी हम सेटिस्फाई रहेंगे। भैया आपका कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहेंगे? शोरूम का हमारा शोरूम का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9122222297। इस नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरीज वगैरह व्हाट्सअप वगैरह भी कर सकते हो। भैया ये तो हो गया यहाँ का शोरूम का बात, और कहीं आपका जहाँ जहाँ ब्रांच है वो थोड़ा व्यूअर्स को बता दीजिए ताकि अगर जो उनका नियर पड़ेगा वहाँ विजिट कर ले उनको। ठीक है, एम्पियर बाय ग्रिप्स, एम्पियर जो कंपनी है ये ग्रिप्स की है, ग्रिप्स का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, क्रॉम्पटन ग्रिप्स, ग्रिप्स जो है ग्रिप्स ये उसका एम्पियर है। और हमारा जो ब्रांच है वो आदित्यपुर में मेन शोरूम है पेप्सी कंपनी के सामने, जैसा कि मैंने बताया। और इसके अलावा हमारे ब्रांचेस टेलको में भी है अयान मोटर्स के नाम पर, फिर आप मानगो में भी देख सकते हैं, मानगो में है हमारा आपका करनाल सिंह होटल के जस्ट बगल में एम्पियर बाय ग्रिप्स लिखा होगा। फिर हमारा एक हाता में भी है, हाता में भी शोरूम है श्री साई एंटरप्राइजेस के नाम से, हाता में भी आप जा करके गाड़ी वहाँ से भी पसंद कर सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। और कांड्रा में भी हमारा शोरूम है आपका मेन रोड में कांड्रा में एम्पियर बाय ग्रिप्स का ही, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। और भी अभी चायबासा सरायकेला बिष्टुपुर कदमा साक्षी ये सब जगह भी आने वाला है, ताकि यूज़र्स को ताकि जो खरीदने के लिए जो इच्छुक है अपने आसपास की कहीं भी जगह से ले सकते हैं। और ये शोरूम आने वाले समय में और 4-5 शोरूम और खुलने वाला है। तो भैया ने सारा डिटेल आपको दे दिया है ठीक है व्यूअर्स, और आपका जो नियर पड़ेगा आप लोग जाके देख लीजिए और जाके जरूर एक बार विजिट करिए, आपको समझ में आएगा जो उसके बाद लेना है तो फाइनल डील करिएगा। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा मैं आशा करता हूँ, और इसी तरह की और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आया हुआ है उसको बारे में पता चल सके। ठीक है, अभी पेट्रोल का दाम जो है डे बाय डे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत कोई होता है गाड़ी निकालने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस जाने में इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक ऑप्शन आ चुका है हमारे पास में, तो आप लोगों ने जरूर इसका फ़ायदा उठाएँ।